हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर मोटिवेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगी और अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है day 3 और bedroom 2 की मैं आज क्लीनिंग करने वाली हूँ। ये बेडरूम मेरी बेटी का है और उसकी दादी, वो अपनी दादी के साथ शेयर करती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सारे पिलोज़ को धूप में रख दे रही हूँ। इस रूम के साथ अटैच बालकनी और अटैच बाथरूम है। इस बालकनी में बहुत ही अच्छा धूप आता है, तो धूप में मैंने सारे पिलो वगैरह सारे जो थे मैट्रेस वो मैंने रख दिए हैं धूप लगने के लिए अच्छे से। और उसके बाद मैं इस रूम के सारे एक्स्ट्रा सामान को, कपड़ों को हटा रही हूँ। जितने भी वॉल पे फ़ोटो फ्रेम वगैरह है उन्हें भी मैं हटा लूँगी और जितने भी स्टैचूज़ वगैरह रखे हैं शोकेस में उसे भी मैं हटा रही हूँ। सब चीज़ों को हटाने के बाद मैं अब सारे वॉल की डस्टिंग करूँगी। फ़ैन की क्लीनिंग मैंने पहले ही कर दी थी लेकिन फिर भी एक बार मैं इसे डस्टिंग कर दे रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रश है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप क्लीनिंग के लिए ये ब्रश ज़रूर लें। इससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छी होती है, डस्टिंग भी हो जाती है वॉल की और इसे आप रिमूव करके वॉश भी कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ मेरा क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है तो मैं बस क्लीनिंग करूंगी, डेकोरेशन वगैरह और मेकओवर करना ये सब मैं बाद में करूंगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग पे ही ध्यान दे रही हूँ। सारे चीज़ों को डस्टिंग अच्छे से करने के बाद मैं एक गीले कपड़े से सारे डोर वगैरह को और बेड को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक बार गीले कपड़े से पोंछने के बाद आपको एक ड्राई कपड़े से भी ज़रूर से पोंछ लेना है क्योंकि ये सनमाइकाज वगैरह पे ज़्यादा पानी का स्टेन भी आ जाता है और ये ख़राब होने का भी चांसेस रहता है। टीवी को कभी भी हमें गीले कपड़े से नहीं पोंछना है, इसे हमेशा हमें ड्राई कपड़े से ही पोंछना है, अदरवाइज़ ये ख़राब भी हो सकता है। तो जब भी आप टीवी की डस्टिंग वगैरह करें बिल्कुल ड्राई सूखे कपड़े से ही करें। उसके बाद जितने भी फ़ोटो फ्रेम स्टैचू वगैरह थे उन्हें मैंने एज इट इज़ रख दिया है। अभी मैं कोई डेकोरेशन पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग पे ही ध्यान दे रही हूँ। अब ऊपर की सारी सफाई हो जाने के बाद नीचे की भी सारी चीज़ों को हटा के मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। जिन जिन चीज़ों को मैंने हटाया था मैंने वापस से उसको उसी जगह पे लगा दिया है। इसके बाद मैं बालकनी के पोर्शन का डस्टिंग कर रही हूँ। इसी तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में अगर आप क्लीनिंग करेंगे तो आपकी क्लीनिंग बहुत इजी और अच्छे वे में होती है। तो अब मैं अपने बालकनी एरिया को भी डस्टिंग करके और फिर ये वार्डरोब वगैरह को गीले कपड़े से साफ कर लूँगी। अगर आपको मेरा ये दिवाली क्लीनिंग का सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बेड को अच्छे से साफ़ करके बेडशीट मैंने लगा दिया है और मैं एक बार फिर से झाड़ू वगैरह कर लूँगी और मॉपिंग भी कर लूँगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक